देश में बढ़ते कोरोना और लॉकडाउन के कारण शहर से गांव की तरफ दिहाड़ी मजदूरों का पलायन जारी है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने मकान मालिकों को आदेश दिया है कि वह अगले 3 महीने तक घरों में रह रहे लोगों से किराया नहीं वसूलें, साथ ही किसी को भी घर खाली करने के लिए नहीं कहे। महाराष्ट्र राज्य आवास विभाग ने मकान मालिकों के लिए शुक्रवार को यह निर्देश जारी किया है। बता दें कि कोरोना को रोकने के लिए भारत में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दिए जाने के बाद नागपुर महाराष्ट्र से पैदल और साइकिल के जरिए कई प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश के सिवनी में अपने घर लौट रहे हैं। पैदल लौट रहे प्रवासी मजदूरों ने बताया कि मैंने नासिक से 5 दिन पहले अपनी यात्रा शुरू की थी और अभी मुझे घर पहुंचने में 6 दिन और लगेंगे। प्रवासी मजदूरों में अंजलि का कहना है कि मेरे पति और मैं साइकिल से 1 साल के बच्चे के साथ नागपुर के मध्य प्रदेश देश के सिवनी के लिए कल निकले थे। हम 14 अप्रैल से बसें शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वे शुरू नहीं हो रही है। हमने साइकिल से ही घर जाने का तय किया है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, पंजाब और कई अन्य राज्यों में काफी संख्या में दिहाड़ी मजदूर फंसे हुए हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में कोरोना के 34 और मामले सामने आने के बाद शुक्रवार को कोरोना की संख्या 3,236 पहुंच गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि गुरुवार की शाम से 23 मामले पुणे में सामने आए, जबकि मुंबई में 6 मामले सामने आए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में कोरोना के मामलों की बढ़ोतरी में 40% की कमी आई है। देश में 15 मार्च से 31 मार्च तक कोरोना औसत बढ़ोतरी 2.1 थी, जबकि 1 अप्रैल के बाद यह 1.2 है। मुस्तकीम अंसारी, दिल्ली। We'll be right back.